अच्छा लग रहा है, लोग इतने अच्छे से प्यार कर रहे हैं, इतने अच्छे सोशल मीडिया हो या कॉल हो, लोग जानेंगे तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। डर से बुखार उखार आ रहा है भगवान क्या होगा मेरा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, पूरा बॉडी कट जाता था, जल जाता था। ऑडियंस से जितना मुझे प्यार मिल रहा है मैं उतना अच्छा करता जाऊंगा। तो आकाश फर्स्टली वेलकम टू हैदराबाद। अपने जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, हुनरबाज की जर्नी के बारे में, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है, इस अब तक का कैसा रहा है सफर? मैम अभी तो जब लोग पाछता वो पाछ तो मैं अभी सोचता हूँ, अगर बताता तो वो हिम्मत काम नहीं करता, लाइक इमोशनल हो जाता हूँ, रोना जाता है, वो सब सोचता हूँ तो। बट अभी हुनरबाज में आने के बाद अच्छा लग रहा है, लोग इतने अच्छे से प्यार कर रहे हैं, इतने अच्छे सोशल मीडिया हो या कॉल हो, पहले जो लोग कॉल मैसेज नहीं करते थे, सोशल मीडिया पे कुछ वैल्यू नहीं था, बट अभी थोड़े अच्छे वैल्यू हो गए, लाइक कि लोग मैसेज कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, अच्छा लग रहा है मुझे। हुनरबाज देश की शान में आके कलर्स चैनल ने मुझे बुलाया, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो आप जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते थे वहाँ पे अब कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लोग मुझे अभी जानने लगे हैं। तो और भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे जाता जाऊंगा तो लोग और भी लोग देखेंगे तो और लोग जानेंगे तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे अच्छे से जाने और अच्छे से प्यार दे मुझे। अपना आपका जो ये टैलेंट है काफी ही यूनिक है, आपने अपने इस टैलेंट को कैसे ढूंढ निकाला और कैसे सोचा कि ये टैलेंट को लेकर मुझे आगे जाना है? मैम एक्चुअली मैं डांस करता था तो मैं सोचा डांस तो सब लोग करते हैं, अगर मेरे गांव में 100 लोग डांस कर रहे हैं मैं भी उसमें डांस करूंगा तो उस 100 में मैं भी गिनती आऊंगा, तो मैं सोचा मैं कुछ अलग करता हूँ। और ऐसे ही कभी दूसरे के फोन में यूट्यूब में देख लेता था, टीवी में देख लेता था कुछ नया चीज हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता था, जैसे फॉरेन का कोई शो रहता था कि अरे एरियल एक्ट कर रहा है तो मैं सोचता था कि अरे यार इतना अच्छा किया मैं कर सकता हूँ, तो मैं बोला नहीं अभी मैं डांस नहीं करूंगा, इसको छोड़ता हूँ। लाइक जो एरियल एक्ट करता वो भी डांस ही है, डांस का एक पार्ट है, बट मैं सोचा कि नहीं डांस जो डांस सब लोग करते हैं उसमें बहुत कंपटीशन है, अगर गांव में 100 लोग हैं तो 100 लोग डांस करेंगे मैं भी करूंगा तो उस 100 में ही आऊंगा, लेकिन मैं अगर कुछ अलग करूंगा तो उस 100 में से मैं अकेला आऊंगा, अकेला नाम होगा कि हाँ आकाश सिंह ये करता है, अगर एरियल एक्ट कोई करता है तो आकाश सिंह करता है, तो मैंने सोचा कि मुझे अलग करना है, तो मैंने वहां से ही मैंने चालू किया कि नहीं मुझे अलग करना है, तो मैं स्टार्ट किया एरियल एक्ट, जैसे यूट्यूब पे देख लिया वीडियो कुछ देख लिया तो उस टाइप से मैं चालू किया, देखते देखते उधर जो एरियल एक्ट के लिए सिल्क के कपड़े होते हैं वो सब तो मिलता नहीं था, तो गांव में ऐसे ही टेंट वेंट होता है ना शादी वादी तो उसमें टेंट के कपड़े आते हैं, तो वो सब कपड़े लेके करता था, साटन का कपड़ा खरीद लेता था उससे करता था, लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे पता नहीं चलता था उस टाइम कि कौन से कपड़े पे होते हैं, तो कोई भी कपड़े से करता तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे छिल जाता था, अभी भी मैंने रिहर्सल किया इधर मेरा छिला हुआ है, कटा हुआ है मेरा पैर वैर, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, पूरा बॉडी कट वट जाता था, जल जाता था, जैसे अभी दिखाया मैंने, अभी मैं रिहर्सल पे था सूट पे था तो मेरा ये थोड़ा जल गया उस कपड़े से, तो वैसा प्रॉब्लम होता था, बट कोई नहीं प्रॉब्लम होगा तभी तो आगे जाएंगे, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता था कि अरे कट गया है तो नहीं करूंगा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं बोला नहीं जो भी हो मुझे यही करना है, मैंने उसको ही चालू किया करना स्टार्ट किया। जब फैमिली को पता चला कि आप एरियल डांस करना पसंद करते हैं, स्टंट्स करना पसंद करते हैं, तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, कितना सपोर्ट मिला फैमिली से उस समय? मैं प्रॉब्लम ये था कि फैमिली में तो ऐसा पता ही नहीं कि मैं एरियल क्या होता है, डांस कौन सा डांस करता नहीं करता ये सब कुछ पता नहीं है, बट पहले तो सपोर्ट नहीं था, बट अभी ऐसा हो गया कि मैं सुनता ही नहीं था, बोलते थे कि नहीं करो नहीं करो ये सब, एक दिन दो दिन जाते, अभी लोग अगर नहीं सुनूंगा तो एक ही चीज को लोग कितने बार बोलेंगे, तो लोग थक गए घर पे बोलते बोलते मैं भी उन लोग को थका दिया सुनाते सुनाते कि मैं जो करूंगा यही करूंगा, ना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करूंगा मैं यही करूंगा, वो भी बोलते बोलते फैमिली भी थक गई और मैं भी अपना उनको अपना जवाब देते देते थक गया, फिर उसके बाद कुछ दिन तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, नहीं घर से नहीं होता था परमिशन ये सब करने का, पढ़ाई करो ये सब, और पढ़ाई भी जरूरी ही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई जो भी करो उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है, तो मैं बट मुझे मन नहीं लगता था, मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई तो अपने मैं पार्ट टाइम में रख लिया था कि पार्ट टाइम में पढ़ाई करूंगा फुल टाइम में डांस करूंगा, इसके लिए मुझे कॉलेज में मार भी लगा था जी।
तो फिर मैं स्टार्ट किया घर पे, फिर धीरे धीरे घर पे समझ गए कि ठीक है कर रहा है करने दो, तो फिर मैंने ठान लिया कि करना है, तो फिर मैं चालू कर दिया। उसके बाद अभी तक कर रहा हूँ, अभी सब जो फैमिली में सब प्रॉब्लम होता था ठीक है खुद से सब लोग जो ताना मिलता था फैमिली में कि अरे इसका बेटा डांस करता है ये करता है वो करता है। तो फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको स्क्रीन पे देखा हुनरबाज के, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या कॉल पे उन्होंने बताया? मैं तो उस टाइम पास में था नहीं, मैं तो मुंबई में ही था और हूँ भी अभी मुंबई में ही। फैमिली में ये मतलब एक खुशी का माहौल जैसे ना एक त्योहार, तो मुझे इतने न्यूज आ रहे थे कि मेरे गांव में एक त्योहार हो है, लाइक कि लोग अपने अपने फोन अपने अपने टीवी अपने अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं कि अभी मेरा शो आने वाला है, ऐसा इतना वायरल हो चुका था मेरा प्रोमो। तो एक खुशी का माहौल एक त्योहार जैसा हो गया था वो दिन। और जैसे ही वो रात आया टेलीकास्ट हुआ, और उस रात टेलीकास्ट हुआ मैं अपना वीडियो खुद नहीं देखा मैं, क्योंकि मैं उस दिन दूसरे एपिसोड के टेलीकास्ट पे ये रिहर्सल पे था। इतने कॉल मैसेज आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अच्छा था मम्मी लोग देखी, मम्मी लोग को पता चला कि मैं कैसे क्या था, मैं झूठ बोल बोल के मैं यहाँ पे रहा कि मैं मम्मी मैं तो अरे इतने बड़े बिल्डिंग में रहता हूँ मैं हीरो बन गया हूँ ऐसा कर करके यहाँ पे रहता था। लेकिन फिर उन लोग को पता चला तो मम्मी लोग बहुत रोई, बहुत अभी जो रिस्पॉन्स नहीं था घर पे मेरे मम्मी पापा का, जो लोग वैल्यू नहीं देते थे आज वो लोग वैल्यू दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं मिलने मम्मी पापा के पास, तो अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरे जो मैं सोचता था कि मेरे नाम से मेरे माँ बाप को लोग पहचाने, तो वो सपना पूरा हो रहा है। और इसी काम को देखते हुए, इसी आपकी मेहनत को देखते हुए परिणीति भी हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए आई है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जिस तरह से जजेस का भी सपोर्ट मिल रहा है आपकी जर्नी में हुनरबाज की। मैम एक्चुअली मैं इतने बड़े स्टेज पे मैं कभी गया ही नहीं, और जब मैं फर्स्ट ऑडिशन के लिए जब अंदर घुसने के मुझे जब रिहर्सल कर रहा था तो ठीक था, रिहर्सल कर रहा हूँ टेक्निकल चालू हुआ, उस दिन से डर ऐसा घुस रहा, नर्वस फील हो रहा है। अब सूट आ गया कि आज सूट होने वाला है, डर से बुखार आ रहा है भगवान क्या होगा मेरा, समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा स्टेज, लाइट वाइट कैमरा, इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने इतने बड़े स्टेज, इतने लाइट, इतने कैमरा, कुछ समझ में नहीं आता। बोलता भगवान क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो रहा था कि मैं मेरे से नहीं होगा, ऐसा कर रहा था मैं, इतना नर्वस हो गया था। और मैं जब स्टेज पे जब एंट्री आया मेरा नाम, स्टेज पे एंट्री करते करते मैं रोते रोते अंदर गया कि मैं नर्वस हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। तो जब स्टेज पे गया तो उधर भी जजेस को देखा जिनको मैं टीवी पे देखता था, नाम सुनता था, कभी सामने देखा नहीं, और उन लोग को सामने देखा, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे से बात किए उन लोगों, मैं इतना नर्वस था फिर भी उन लोगों ने मुझे हौसला दिया कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो, अच्छे से करोगे, मुझे ट्रस्ट है। जब उन लोगों ने हौसला दिया तो फिर मैं भी लगा कि नहीं ठीक है जो भी होगा या तो 100 या तो 0 करता हूँ। तो फिर मैंने किया, मैं बोला ठीक है, भगवान का नाम लेके मम्मी पापा का नाम लेके चालू किया और अच्छा कर दिया, तो 100 तो नहीं 99 मिल गया अच्छे कमेंट मिले परिणीति मैम बहुत अच्छी है, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी। और मैंने हमेशा देखा है कि परिणीति इज गेट काफी इमोशनल हो जाती है जब भी वो आपसे बात करती है, जब भी वो आपका परफॉर्मेंस देखती है। परिणीति मैम एक्चुअली वो तो अभी मुझे भाई बना ली है कि मेरे छोटा भाई है, तो अच्छा लग रहा है कि चलो इतने बड़े बड़े लोग अभी मुझे भाई करके बुला रहे हैं, जो मैं सोचा भी नहीं था वो अभी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और परिणीति मैम भारती मैम बहुत अच्छी है, बोलो भारती और हर्ष हमेशा सबको हंसाते रहते हैं, तो आप कितना एंटरटेन होते हैं उनसे और कितना वो आपको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं बिहाइंड द सीन? एक्चुअली मैं शूट पे जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें सबसे अच्छा सबसे उदास लड़का मैं ही हूँ, मैं हंसता नहीं ज्यादा, मैं चुपचाप रहता हूँ, बट हर्षदा एंड भारती दीदी बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कि नहीं आकाश टेंशन मत ले, सब सही होगा, अच्छे से कर, तू अच्छा करता है। अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग, वो लोग भी ऐसा स्ट्रगल करके यहाँ पे आए हैं, उन लोग को एक्सपीरियंस है कि लोग ये
लड़का कैसा है नहीं है, वो लोग देख के बता देंगे। तो वो लोग देते हैं सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट कि हाँ तू करेगा, अच्छे करेगा। अभी जैसे मैं परफॉर्म करने जाता हूँ तो पहले वो लोग हाथ मिला लेंगे, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे सब कुछ। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो इतने बड़े बड़े लोग हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। So, आकाश इतना जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहूंगी? मैं ऑडियंस से यही बोलूंगा कि अभी तो एक एक्ट आया, अभी दूसरा प्रोमो आया है मेरा, तो वो भी आएगा और इस बार मैं और भी बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा किया हूँ मैं और उससे भी ज्यादा अच्छा किया हूँ। और क्या है कि मैं ऑडियंस से जितना मुझे प्यार मिल रहा है मैं उतना अच्छा करता जाऊंगा, ताकि अभी मैं जो अगर मैं 100% अगर मैं मेहनत करता था, अभी मुझे 110% मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था तो मैं इतना मेहनत करता था, लेकिन अभी लोग मुझे जान रहे तो उनको खुश करने के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जो प्यार मुझे मिल रहा है मिलता रहे वो हमेशा। तो इसके लिए मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं अपने फैंस के बीच बना रहूं हमेशा के लिए। और मैं फैंस को यही बोलूंगा कि अगर जो भी करना चाहते हो, जो भी आपका एम है, अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, डांस करना है डांस करो, सिंगिंग करना है सिंगिंग करो, जो चीज अगर आप चूज कर लियो कि लाइफ में मुझे ये चीज करना है, तब उस चीज पे उस एक्ट पे ट्रू रहो, सही रहो। पढ़ाई हो तो पढ़ाई पे सही रहो, सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, हार्ड वर्क करो, पक्का किसी ना किसी दिन आपको जल्दी सफलता मिलेगा और जरूर मिलेगा। और वो सफलता बहुत ही अच्छे से, लोग वायरल हो जाते हैं लेकिन वो वायरल ज्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन जो मेहनत करके आगे जाता है ना वो बहुत आगे तक जाएगा। हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की, इंग्लिश बोलने लगा थोड़ा वो पे जा जाके सुन सुन के। धीरे धीरे एक अलग ग्रोथ मिलेगा आपको भी अपने इसमें, इस दौरान, इस जर्नी के दौरान। सो आकाश थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू मैम, थैंक यू।